सब्जी मांगे पहले टेस्ट करो तब मालूम चलेगा। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। ये प्योर है क्या? ये तो यार एक में काम पक्का हो जाएगा। फोटो लेना पूरे डे लाके दो उसका लो। ये क्या है? गुलकंद। गुलकंद है बात। एक वो माजम 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 ड्राई फ्रूट होता है ना इसमें। कभी खराब नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। जैसे आप चाहिए मेरे को थोड़ी सी ली पानी में डाली गोली भाई जयराम जी की ले लो बस। सस्ते नशे? सस्ते नहीं है, महंगे नशे हैं। सस्ते नशे मत बोलो। 3,000 रुपए? ये कितने का है? ये सारा सामान ये दाई दही से ऐसे तो दही जी ले जाते। ये कितने की है? 150 रुपए की। और ये पापड़? 100 रुपए पापड़। और कतली? कतली है 100। ये कितनी है? 6 पीस है। 150। 150। और भांगरा? ये भजिया 200। और रुमाल? ये 1200। और गोटे? बहुत अच्छी। ये 80 रुपए का है। ये क्या है? जी जी अच्छी है खाने में तो। तो अंकल आ कितनी के है? कितनी के है? वजन में कितनी के है? तो 35 ग्राम। काम परमानेंट पक्को ही है? मार्जी सर तो पक्को ही है। इसके अंदर क्या है? नहीं होता ना पान की गोली तैयार करते हैं तो अभी देखे दिखाएंगे। कोई छानता है, कोई ऐसे लेता है, कोई पानी का लोटा बना के, कोई थम्सअप में लेता है, कोई किसी में लेता है। अब हम आ गए हैं कारखाने में जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि भांग की क्या बनती है, कतली कैसे बनती है। अभी हमने रॉ भांग देखी थी, अब इसकी कतली बनाएंगे। तो ये तो सिंपल है, ये काजू की है बादाम की है? बादाम की। बादाम की कतली है। और ये भांग डाली जा रही है। कितनी है ये? ये 300 ग्राम है। सभी डाल दूंगा एक के साथ। ओके मारा हाथ धुला दे वाला। ये सब जो भी तैयारियां हो रही हैं ये होली की हो रही है बीकानेर में। प्री होली सेलिब्रेशन, विशेषकर जो आप बोल सकते हैं कि शहर वाला जो एरिया है, शहर वाला जो परकोटा है उसमें हो। यह है भांग की कतली, होली की स्पेशल मिठाई। ये क्या डाला? मैं केसर तो दिख रही है मेरे को, इलायची का पाउडर और चीनी। यह है पिस्ता मंजिया। क्या है? पिस्ता मंजिया। पिस्ता। और ये है भांग। भांग। ये अंदर की फिलिंग है क्या? हाँ। अब देखने से आइडिया तो लग रहा है कि कुछ मिठाई बन रहा है, अंदर की फिलिंग है। और ये वो मिठाई है जो सबकी फेवरेट है, सबसे ज्यादा बिकती है, इंडिया की सबसे कॉमन सबसे फेवरेट मिठाई और सबसे पुरानी भी है। नई मिठाइयां तो पता नहीं कितनी आ गई, ये सबसे पुरानी मिठाई है। तेजस को क्या कंपटीशन देंगे? तेजस सिर्फ जो जो मेरे भाई है गांव जा रहा है। सीख गया तो मतलब खुरपा डाल सकते हैं।
होली की सुप्रसिद्ध मिठाई। अब ये गुलाब जामुन ऑलमोस्ट बन के तैयार हैं। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? सीधा चाशनी में। केसर की? अच्छा, ये तो ये कैसी है, टेम्परेचर क्या है इसका? बस एक बार गरम होके छोड़ दे, अगर ये तैर रहे ना तो ओके है। अच्छा अच्छा, मतलब तैरने चाहिए ऊपर ना? तैरने चाहिए। ये हो गया पराठे गुलाब जामुन तैयार। चलो।